नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से पूर्व जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उनका नारा, उनका कथन जो था वो एक चेतावनी थी कि बेटियों को बचाओ। बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने पूर्व में ही चेतावनी दे दी थी, मगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसे झूठी पार्टी के लोगों के ऊपर विश्वास करके पूर्व बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार इनको सौंप दी और आज उत्तर प्रदेश की जो हालात है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता नमूना वर्तमान समय में आप जनपद हाथरस या जनपद बलरामपुर के अंदर देख सकते हैं। हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ में गैंगरेप किया जाता है, उसकी जबान काट ली जाती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और वहां के कलेक्टर और एसपी का कहना है कि उनके साथ में बलात्कार के साथ घटना हुई ही नहीं। फिर जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें इस बात की पुष्टि होती है। अब ये शोचनीय विषय है कि एक जिम्मेदार अफसर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि मतलब इस तरह की घटना हुई नहीं। जब इस तरह की घटना हुई नहीं तो प्रदेश सरकार ने उनको निलंबित क्यों किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। बलरामपुर में बेटी के ऊपर गैंगरेप की घटना हुई, आज पूरा प्रदेश अराजकता में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराधियों का बोलबाला है, आम जनता कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। और जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली नेता मायावती हैं, या जो दलितों की राजनीति करने वाली सावित्री बाई फूले हैं, अब इस हाथरस की घटना के ऊपर जब एक दलित बेटी के साथ में इस तरह की घटना होती है और उसकी मौत हो जाती है, तो ये दलितों के जो रहनुमा बनने वाले लोग हैं, नेता हैं, जो जिनको जनता ने सत्ता भी दी, पद भी दिया, ये